देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब विद्युत उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा और प्रीपेड मोबाइल की तरह उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करवाकर जितना चाहे उतना बिजली उपयोग कर सकते हैं। राज्य में कुल 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर पहले फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वहीं UPCL के MD अनिल कुमार के अनुसार तकनीकी के इस दौर में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के मकसद से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिलिंग में भी मानवीय हस्तक्षेप इससे समाप्त हो जाएगा और इससे बिलिंग संबंधी शिकायतों में भी कमी आएगी। उपभोक्ता को हर माह मीटर रीडिंग कराने से भी छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। विदित है कि इस समय टेक्नोलॉजी का युग है। पूरे विश्व में विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उसी से कदम मिलाकर के भारत में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश पर करीब 20 करोड़ उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उपभोक्ताओं को नाना प्रकार के फायदे होंगे, यथा बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा, बिलिंग संबंधी शिकायतों की कमी से बेहतर उपभोक्ता की संतुष्टि होगी, उपभोक्ताओं को खपत की डिटेल का ब्यौरा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा, रियल टाइम में कितना वो बिजली की खपत कर रहे हैं उसकी जानकारी उनको रहेगी, हर माह मीटर रीडिंग कराने से उनको छुटकारा रहेगा, बिलों में जो लेट पेमेंट सरचार्ज लगता था वह सरचार्ज भी समाप्त हो जाएगा, उनको जो सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी सिक्योरिटी भी नहीं जमा करनी पड़ेगी, 4% का उनके बिलों में रिबेट दिया जाएगा, साथ साथ छुट्टी के दिनों में अगर उनका बैलेंस खत्म हो जाता है तो अगले दिन या नेक्स्ट वर्किंग डे तक उनको फ्री में बिजली चलाने की परमिशन रहेगी। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को विभाग के चक्कर ना लगाने पड़े और इस